हेलो गाइस, ये वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फुलटन का नल कैसे रिपेयरिंग करने का। ये फुलटन का नल है, इसको कैसे रिपेयरिंग करने का। सबसे पहले अपने को ये नोब खोलने का, ऊपर का कैप है ना, ये खोलने का स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये कैप खुल गया, अभी इसके अंदर जो स्क्रू दिख रहा है ना, वो खोलने का स्क्रू ड्राइवर की मदद से। स्क्रू खोल दिया, स्क्रू खोलने के बाद ये नॉब निकल जाता है नीचे की तरफ। नॉब निकालने के बाद ये खोलने का स्पेंडल जो इसमें लगा हुआ है, ये स्पेंडल आया, खोल के नया डालेंगे तो वापस वही 450 रुपये का नल अपन रिपेयरिंग कर सकते हैं। नहीं तो नया लेना जाएंगे तो 450 रुपये का नल बदली करना पड़ता है। वही ये स्पेंडल बदली करेंगे 90 रुपये में अपना काम हो जाता है। पकड़ की मदद से इसको खोल देने का स्पेंडल को, पकड़ की मदद से खोल देंगे स्पेंडल। ये स्पेंडल नया डालने का, ये 80-90 रुपये का आता है, या फिर इसका वायसर जाता है जो पीछे का वायसर बदली करने का। ये नया डालेंगे ना स्पेंडल, 80 रुपये का या 90 रुपये का आता है, नया डाल दिए तो पूरा अपना 450 रुपये का नल रिपेयरिंग करके वही काम में यूज हो सकता है। नहीं तो नया नल लेने जाएंगे तो 450 रुपये का नल आता है। वापस इसको वैसा का वैसा फिट कर देने का, जैसा अपन ने खोला था पहले वैसा ही। पकड़ से टाइट कर देने का, टाइट कर दिया। वापस ये नो जैसा था वैसा ही अपने को घुसा देने का इसके अंदर, बैठ गया नो बंद। तो स्क्रू उसमें टाइट कर देने का, नॉब को पकड़ के रखिए। टाइट कर दिया, वापस वही नॉब कैप उसके ऊपर फिट कर देने का। ये अपना 450 रुपये का नल रिपेयरिंग कर सकते हैं, ऐसे सीख सकते हैं आपको रिपेयरिंग करना एकदम इजीली। ये अंदर उसका स्पेंडल डालेंगे तो वापस नल रिपेयरिंग हो गया। नया नल खरीदने जाते 450 रुपये का नल आता है। हेलो गाइस, अपने को वीडियो ये पसंद आया है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।